आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। योगी सरकार की चार साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भाजपा ही निकल पड़े हैं। कार्यकर्ता नेता गली मोहल्ले में घूम घूम कर पत्र बांट रहे हैं और योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। उपलब्धियां गिनाने के लिए पत्र बांटे जा रहे हैं। छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा नेता, विधायक हो या फिर मंत्री, सभी लोग चार साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए गली मोहल्लों में निकल पड़े हैं। पत्र बांटे जा रहे हैं, साथ में लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से चार साल के दौरान योगी सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी छावनी विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश के द्वारा पत्रक बांटे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डॉक्टर जी एस धर्मेश गली मोहल्ले पहुंच रहे हैं और लोगों को पत्रक देकर बता रहे हैं कि क्या कुछ चार साल में योगी सरकार ने किया। 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके नेतृत्व में 19 मार्च को 2017 को ये सरकार बनी थी और तब से लेकर के चार साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा जो ये योजनाएँ चालू की गई थी, एक अद्भुत कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया गया है, इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि चार साल के अंदर वो इतना हुआ है जो 70 साल में नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था आपकी, विद्युत व्यवस्था, महिला अपना महिला कल्याण की योजनाएं और शिक्षा में सुधार और बहुत सारे किसानों का सम्मान निधि, बहुत सारी योजनाएं, हॉस्पिटल अपना जितना भी हॉस्पिटल के अंदर जितनी पहले कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, लोग उनके हॉस्पिटल की तरफ जाते भी नहीं थे, आज वहाँ पर इतनी सुविधा मिल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटलों का लाभ उठा रहे हैं। पत्रक में तमाम सारी उपलब्धियाँ गिनाई गई हैं। बताया गया है किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश की योगी सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। चार साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ उपलब्धियाँ रही, सभी नेता और कार्यकर्ता जनता तक उपलब्धियाँ गिनाने पहुँच रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि चार साल के अंदर जितना काम हुआ उतना काम 70 साल में नहीं हुआ। तमाम सारी योजनाओं को जनता के सामने पत्रक के माध्यम से रखा जा रहा है। देखना होगा कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अपने साथी इकबाल के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।